आप खुश नजर आ रही है, मतलब पेपर आपका चेक है? नहीं नहीं, मेरा एवरेज ही गया। इधर आइए, धूप है अभी तो। आई एम लाफिंग बिकॉज समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसा गया। ऐसा तो नहीं, मतलब यू आर शॉक्ड? नहीं, आई एम नॉट शॉक्ड, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ऐसा ही पेपर आ रहा, तो कुछ डिफरेंट नहीं था उस हिसाब से पेपर। लेकिन अभी आई कैन नॉट से अच्छा गया, खराब गया, कैसा गया, पता है, समझ में नहीं। मैम, आपको मैं आपको बता दूं, मैं सभी की रिव्यू ले रहा हूं और सबकी यही फीडबैक है। तो अगर पेपर सब कैसे गए तो वो रिजल्ट वैसे ही बनेगा, तो इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं। अब आपसे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस किस एरिया से किस वेटेज, किस किस एरिया में, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन थे जी एस में? पूरा सभी सब्जेक्ट से बैलेंस सही सही था। हाँ, बैलेंस ही था। पीछे गिर जाएंगे तेरा जी, ठीक है। और कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें क्वेश्चन आपके नहीं हो पाए या फिर आपको टफ लगा हो? इस बार इन लोगों ने एक चीज़ की है कि पहले ना लोग एलिमिनेशन से क्वेश्चंस हटा देते थे, इस बार इन लोगों ने क्या किया, ऑप्शंस में दे दिया, ओनली वन इज़ करेक्ट, ओनली 2 आर करेक्ट, 3 आर करेक्ट या ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। मतलब अब 1, 2, 3 करके ना वो नहीं कर पा रहे हो कि आपको 2 भी आते हैं तो तीसरा आप गेस कर लो, वो नहीं हो पा रहा है, सीधा दे दिया। मतलब वो एलिमिनेशन वाला उधर काम नहीं कर रहा है। मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए इस बार आपको। हाँ, पता ही होना चाहिए कि है या नहीं है, उसके बाद ही नहीं चलेगा वो एलिमिनेशन वाला, नहीं रहेगा वो, हो नहीं पा रहा है इस बार। अच्छा, तो ये एक लास्ट ईयर और इस साल के पेपर में ये चेंज था, राइट? हाँ, ये बिल्कुल डिफरेंस है ये वाला। आप ओवरऑल कैसे देख रही हैं इस पूरे जीएस पेपर को? ये ना मेरे को एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा क्या है। ये कैसा अटेम्प्ट है मैम आपका? हाँ जी, चौथा। ये चौथा अटेम्प्ट है? हाँ जी। सो पिछले अटेम्प्ट में क्या हुआ था आपका? प्रीलिम्स तक गई थी, क्या हुआ था? नहीं हो पाया था। अच्छा, तो इस पर तैयारी आपकी है, मतलब इसलिए? तैयारी तो बहुत अच्छी है, तैयारी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि होगा कि नहीं होगा, कि क्या होगा। नहीं नहीं, देखिए अनप्रेडिक्टेबल है आपका यूपीएससी, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि नहीं होगा, लेकिन उनका हो जाता है, तो इसमें ये जानी। तो आपको कैसा लग रहा है, आपने कितने क्वेश्चन एज ए परसेंटेज, हम बात करें 100 में कितने आपको, आपने कितने सॉल्व किए हैं जो आपको लग रहा सही होगा? सही होंगे ये तो मुझे नहीं पता, पर मैंने 70s में ही किए हैं क्वेश्चंस। अच्छा। बट अभी मेरे को ऐसा आता नहीं, फीलिंग आ रही है कि शायद 75-80 इसी रेंज में ही करने चाहिए थे। अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं करने चाहिए थे, बिकॉज फिर नेगेटिव ही होगा, क्योंकि इस बार एलिमिनेशन वाला काम कर नहीं रहा था, तभी उसी से ही आगे जाते थे, बाकी पता नहीं अभी, लेट्स सी कैसा रहता है। अभी तक की आपकी 4th अटेम्प्ट है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए कि आज के पेपर के हिसाब से बच्चों को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट करते हैं कि किसी एक पेपर ज़्यादा पढ़ते हैं, दूसरा नहीं पढ़ते, जनरल स्टडी बात करें, कुछ पढ़ना पड़ेगा। हाँ। सभी कुछ नहीं छोड़ सकते, कुछ नहीं छोड़ सकते, नहीं कुछ भी नहीं। तो आज के पेपर से ऐसा लग रहा है कि सारा जी पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ना है? नहीं कुछ नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते, कहीं से भी आ रहे हैं, एक एक सेंटेंस अलग अलग जगह से आ जा रहा है। मतलब एक क्वेश्चन उसमें 4 सेंटेंस होते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करना होता है ना, 1 एंड 2 करेक्ट, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, तो वो चारों सेंटेंस भी इधर उधर से आ जा रहे हैं। मतलब सभी कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। अगर टफ है तो सभी के लिए टफ है, ऐसा नहीं है? नहीं मुझे कुछ भी, मतलब किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन थे, एक आइडिया? नहीं, मिक्स ही थे, मतलब ऐसे। हाँ, सारे सब्जेक्ट्स के, सारे सब्जेक्ट से बराबर क्वेश्चन थे, राइट? हाँ जी। सो प्रीवियस ईयर में और इस ईयर, इस साल के क्वेश्चन? फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे होंगे? हाँ जी, देखे थे। तो पिछले साल के क्वेश्चन में इस साल के क्वेश्चन क्या डिफरेंस है? जैसे मतलब उतना ही डिफिकल्टी लेवल इतना ही था, ऐसा तो कुछ चेंज मुझे लगा। ये क्वेश्चन पेपर है और जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन आए हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। हिंदी लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है जैसा कि होता है, और ये सारे क्वेश्चन है। सर बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया, मतलब बहुत कम ऐसे एस्पिरेंट है जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव होना चाहिए लोगों को। और आप के हिसाब से अच्छा गया उसमें, इस बार की जीएस पेपर में क्या ऐसा था जिसको आपको लग रहा है अच्छा गया? सर मुझे पर्यावरण भी अच्छा आ गया मेरा, और और मतलब किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन थे? ज़्यादा तो पर्यावरण और अर्थशास्त्र से। अच्छा, आपका हिंदी लैंग्वेज है, राइट? यस सर। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? फर्स्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है जी सर। तो कैसा लग रहा है आपको, जनरल स्टडीज़ में आप स्कोर कर पाएंगी? मैम आप बताइए कैसे गया? साथ में आई हूँ सर इनके। तो इनके साथ आई हैं आप मैम? थोड़ी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। एक मैम और खड़ी हैं और मुस्कुरा रही हैं, इसका मतलब पेपर इनका अच्छा गया है, और भगवान करे, मतलब बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। कंपटीशन तो टफ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता है, टॉपर आप लोगों के बीच ही होती हैं। श्रुति मैम आप लोग की जैसी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, या आपला मिश्रा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू आस्क वन मोर क्वेश्चन कि आप अपनी रिव्यू दीजिए आज के पेपर की, मतलब आपका लैंग्वेज क्या था, इंग्लिश या हिंदी? पहले इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक विथ यू द होलिस्टिक वे, बताइए कि आज के जो जीएस के पेपर थे उसको आप किस तरह देखती हैं,
किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन थे और इस बार क्या बदलाव था पिछले साल के हिसाब से? एनवायरमेंट से क्वेश्चंस तो थे और करंट अफेयर्स ज़्यादा थे। करंट अफेयर्स ज़्यादा थे, ओके। करंट अफेयर में किस तरह से क्वेश्चन थे मैम? एनवायरमेंट वाले ही थे, कोड कोड वर्ड देख के उसके बाद उसके बारे में पूछा था। और हिस्ट्री वगैरह से? ठीक, ओवरऑल पेपर एवरेज था, मतलब ठीक है। ठीक है, मतलब टफ ना टफ है ना इजी है, एवरेज पेपर था। डिपेंड करता है एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट कि उन्होंने कितना पढ़ा है, उनको कितना पता है, राइट? हाँ, वो भी एक क्राइटेरिया एक होता है। तो आपको कैसा लग रहा है, आप कॉन्फिडेंट दिख रही हैं, इसके मतलब आपका पेपर अच्छा गया है, तो आप अपने आप को कैसे स्कोर करेंगी आज के एग्जामिनेशन के हिसाब से? क्या आप क्वालिफाई कर पा रही हैं या फिर किस तरह का आपका ओवरऑल मेजरमेंट है आज की पेपर के हिसाब से? पॉइंट तो रखती हूँ कि क्वालिफाई करना है, अब तो बाकी तो रिजल्ट यूपीएससी जो निकालेगा तभी। सो दोस्तों, अभी जीएस पेपर कंप्लीट हुआ है और एस्पिरेंट्स जो है स्कूल के बाहर खा रहे हैं, और मैं डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी खाते खाते भी बात कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा रिव्यू आप लोगों से जानना चाहता हूँ, ये जेंटलमैन खड़े हैं यहाँ पे, कि जीएस के पेपर जो अभी हुए हैं कैसे गए आपके पेपर? बढ़िया गए हैं। बढ़िया गए? बढ़िया गए। अभी तक किसी भी एस्पिरेंट ने ये नहीं बताया कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन थे, आपको कैसा लगता है? क्योंकि अभी एनालिसिस नहीं हुआ ना। अच्छा। मतलब अभी तक सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, इस कारण। बहुत वैलिड क्वेश्चन, मतलब एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं किस तरह। फिर एक रफली आइडिया तो होगा, थोड़ा सा तो लगा होगा। रफली तो करंट अफेयर्स आया था, करंट अफेयर्स सिग्निफिकेंट आया था, एनवायरमेंट ज्योग्राफी आया था ठीक ठाक। करंट अफेयर्स से किस तरह के क्वेश्चन थे? मतलब करंट अफेयर्स करंट रिलेटेड क्वेश्चन थे, मतलब इंटरनेशनल ज़्यादातर इंटरनेशनल थे। जैसे अभी यूक्रेन रशिया के चल रहा मामला, श्रीलंका, परफेक्ट। आपके पेपर कैसे गए सर? बढ़िया सर। आप कैसे रिव्यू देंगे आज के ओवरऑल जीएस पेपर को? मतलब ठीक ठाक बोल सकते हैं, ठीक ठाक बोल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि ऑप्शन जो मिलते हैं, चार अल्टरनेटिव ऑप्शन, उसमें कंफ्यूज करने की कोशिश की। हाँ, इस बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए था, जैसे कि इस बार जैसे ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, इस टाइप के क्वेश्चन आंसर दिए गए थे। तो इस सिचुएशन को कैसे आपने टैकल किया? मतलब अब जैसे वहाँ पे सिचुएशन था, अगर आ रहा था तो बन रहा था। अच्छा। नहीं आ रहा था तो फिर वो ऑप्शन। ये क्या वाला अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा दूसरा है। सो दोस्तों, ओवरऑल काफ़ी रिव्यू हमने ली है, एक रिव्यू और भी मैं लेने की कोशिश करूँगा। प्रेरणा मैम है जो अभी जीएस के पेपर दे के आई हैं, और उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। मैम, कैसे गए पेपर आपके? ठीक था, ओके। और ये क्या वाला अटेम्प्ट था मैम आपका? थर्ड अटेम्प्ट था। और चूँकि आप लास्ट ईयर आप दे चुकी हैं, तो इस साल के जीएस के पेपर और लास्ट ईयर के जीएस पेपर को अगर हम कंपेयर करें, तो आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है इस बार? मतलब इस बार थोड़ा ठीक था, इस बार थोड़ा इजी था कंपैरेटिवली लास्ट टाइम। अच्छा, इजी था। और क्या, मतलब किस सब्जेक्ट से कितने मतलब ज़्यादा क्वेश्चन थे? हिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट था। अच्छा। हाँ, और पॉलिटी और इको तो ईजी थे, लास्ट टाइम भी ईजी थे दोनों। और करंट अफेयर्स काफ़ी सारे क्वेश्चन से, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से। ओके। और बाकी तो मतलब डूएबल था पेपर। कुछ बच्चे ये बता रहे हैं, ओवरऑल जो मुझे रिव्यू पता चले वो ये है कि ऑप्शन एक क्वेश्चन के जो चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उसमें कंफ्यूज करने की कोशिश की गई, कुछ एक्चुअली हेल्प करने की कोशिश की गई। अगर अच्छा, आपको ये दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट रिव्यू। प्रेरणा मैम जो कह रही हैं, मतलब सारे बच्चे कंफ्यूज हुए, लेकिन इनका कहना है कि उसमें यूपीएससी ने आपकी हेल्प करने की कोशिश की, तो आप इसको कैसे देखते, किस तरह से हेल्प करने की कोशिश की? मतलब अगर एक भी क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन है जो आप एक भी स्टेटमेंट अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो बहुत इजीली क्वेश्चंस बाकी स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आप इंग्लिश मीडियम से हैं, और आपका क्या ऑप्शनल क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी से हैं। सो आपको कैसा लग रहा है जो आपने आज पेपर दिया है, उस हिसाब से आपको हाउ यू आर मेजरिंग योर सेल्फ की हाउ यू हैव परफॉर्म्ड, और आपके सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा लग रहा है आपको? कुछ कह नहीं सकते यूपीएससी में, बट फिर भी एक होता है ना कि रफली, मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस वाली बात होती है कि हाँ ठीक ठाक गए पेपर, चांस है कि इस तरह का कुछ है। मे बी पॉसिबिलिटी तो है। सी सेट की तैयारी कैसी है आपकी? सी सेट की तो सही है। ऑब्वियसली सी सेट में तैयारी करने की कोशिश जरूरत नहीं होती, प्रैक्टिस की बात होती है, बट सी सेट इज ए वेरी डेंजरस, टाइम तो देना ही पड़ता है, टाइम तो देना पड़ता है, ऐसे बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। लास्ट जो क्वेश्चन थे सी सेट के, बहुत सारे बच्चों ने मतलब लगभग दे आर अबाउट टू सुसाइड, मतलब इस तरह के क्वेश्चन थे सी सेट को। नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, नॉन साइंस की जो है, तो सी सेट में आपकी प्रिपरेशन कैसी है अभी? मतलब मुझे लगता है कि अब मेरा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। बट हाँ, मतलब सी सेट का है वो जे की
लेवल उसका काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है पहले से। 17-18 तक तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते थे, 20-21 में काफ़ी अप गया है उसका लेवल, तो उस सब से इस पर भी थोड़ा। बिल्कुल, पेपर मेरा मॉडरेट गया, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बुरा, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर से कुछ मैच नहीं था, लेवल जो था वो अलग ही था, है ना। और जो क्वेश्चंस थे मोस्टली सारे वो आते हैं, पता नहीं चलता कि कौन से एरिया से कितने आएंगे। जैसे पिछली बार इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा आए थे, तो इस बार इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा आए हैं। पिछली बार इकोनॉमिक्स के इतने नहीं थे, तो आप प्रिपेयर उस हिसाब से करते हो और वो आता कुछ भी है। मतलब ऐसा तो नहीं कि यूपीएससी मतलब आपको वक्त नहीं दे रहा, आपको समझने की कोशिश नहीं दे रहा कि आपको स्टडीज क्या बनानी चाहिए, वो कुछ भी स्टडी बना के क्वेश्चन दे देता है, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बस वो थोड़ा पैटर्न हर साल चेंज कर देते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के बढ़ा देंगे, मैंने इकोनॉमिक्स थोड़ा कम पढ़ा था बिकॉज मुझे लगा कि वो थोड़ा कम आएगा, बट देन फिर वो बहुत ज़्यादा आया पोर्शन, तो वो उस हिसाब से थोड़ा वो हो गया। सो देखो दोस्तों, एक चीज़ है ना, लोग कहते हैं कि OOE मतलब एक होता है ना कि उस पेपर को ज़्यादा पढ़ो जिसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन नहीं, यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है दोस्तों कि आपको हर एक चीज़ पढ़ना है। जैसे एक मैम ने इकोनॉमिक्स पे कम ध्यान दिया, लेकिन इकोनॉमिक्स से अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन मैम उसके अलावा भी तो क्वेश्चन होंगे ऑब्वियसली आपने किया है तो। हाँ, और हिस्ट्री से आए थे, काफ़ी सही क्वेश्चन थे हिस्ट्री के, अच्छे क्वेश्चन। हिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चन थे? कोई एक क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आया था, मेडिवल से आया था, मेडिवल से भी आया था, बट वो एक या दो क्वेश्चन आए थे मोस्टली, एंशियंट से ज़्यादा नहीं आया इस बार, मॉडर्न हिस्ट्री से थे 4-5 क्वेश्चन। और करेंट अफेयर्स की अगर बात करें तो? करंट अफेयर्स के थे काफ़ी क्वेश्चन थे, टेक्नोलॉजी बेस्ड थे कि कौन सी सैटेलाइट्स लॉन्च हुई हैं, मोस्टली टेक्नोलॉजी से, जैसे कोविन एप्स रिलीज हुए हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। करेक्ट। और ये इंटरनेशनल रिलेशन से भी कुछ क्वेश्चन थे? इंटरनेशनल रिलेशन से 1 or 2 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। तो ये एक सही में एक रिव्यू है जिसमें मैम ने बताने की कोशिश की, इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से कम थे, और ओवरऑल इनके अच्छे गए हैं। मैम ये कैमरा अटैम्प्ट है आपका? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट। ओह ग्रेट, नो प्रॉब्लम। और बैकग्राउंड क्या रहा है मैम आपका? मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है। अच्छा, और लैंग्वेज? लैंग्वेज इंग्लिश। ओके, सो ये फर्स्ट अटैम्प्ट है मैम का, फ्रेश एस्पिरेंट हैं, और ओवरऑल एक एवरेज पेपर इनका गया है, लेकिन होता है ना वो कि अगर क्वेश्चन टफ हैं तो सभी के लिए टफ हैं, ईजी हैं तो सभी के लिए हैं, बट इस पर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है क्या है। सो ओवरऑल अभी जो मैंने जितने बच्चों से बात की, इससे ये पता चल रहा है कि यू हैव टू बी वेरी यू नो, आपको पूरी चीज़ें पढ़नी है, हाँ, हर चीज़ का नॉलेज, ऐसा नहीं कि आप तुक्केबाजी करके ऑब्जेक्टिव में निकालेंगे, ऐसा नहीं, आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज इनमें जो ऑप्शन दिए गए थे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको पता है तो आपने जवाब दिया था। कोई एक दो चार क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो कि आपसे नहीं हो पाया, आपके लिए टफ था, कोई ऐसा क्वेश्चन? जो टफ था वो था लाइक इकोनॉमिक्स से ही बेस्ड आया था, बैंकिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि कौन से बैंक आपको लोन्स वगैरह में हेल्प करते हैं, तो उस चीज़ में वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ बहुत सारे बैंक्स के नेम्स दे रखे थे एक साथ, तो सभी बैंक्स एक तरीके से उसमें हेल्प करते ही हैं, वो इतने सारे जो बैंक्स दिए ना उसमें वो कन्फ्यूजन हो गया कि वो किस चीज़ से पूछना चाहते हैं, तो एक ऐसा क्वेश्चन भी था। तो ये पहला अटैम्प्ट था और पहला जनरल स्टडी का क्वेश्चन था, तो आप जो है एक एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपसे क्या गलतियां हुई, और आप इसको अगर आपकी सिलेक्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई तो नेक्स्ट टाइम आप क्या किस तरह से उसको सुधारेंगे? गलती ये हुई कि मैंने हर फील्ड पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इकोनॉमिक्स थोड़ा कम पढ़ा, हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा, बिकॉज मोस्टली होता है कि यूपीएससी में हिस्ट्री बहुत ज़्यादा आती है, बट इस बार वो कम थी, तो एक्सपीरियंस ये है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब पे इक्वली ध्यान दिया जाए।